बहुत ही चटपटा और स्पाइसी अचार है ये। ये अचार आपके खाने में चार चांद लगा देगा। आप एक प्लेट खाने की जगह ना दोस्तों, दो प्लेट खा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल दिव्याज किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ स्पाइसी ओटेंगा का अचार। पता नहीं आप इसे किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश में तो इसे एलिफेंट एप्पल कहते हैं और ये नॉर्थ ईस्ट आसाम में पाया जाता है। और हम इसका ना सब्जी और अचार बनाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा फल लेके आई है, तो इसे कहते हैं ओटेंगा। सबसे पहले ना इसको काट लेते हैं। तो मैंने हस्बैंड से हेल्प ली है इसे काटने के लिए, क्योंकि मेरे हाथों में दर्द है तो मुझसे काटा नहीं जाएगा, इसीलिए उनके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था, फिर भी जल्दी जल्दी काट कर दे दिया उन्होंने। इसका जो बाहर का ग्रीन छिलका है ना, उसे हमें फेंक देना है, और जो अंदर का कोमल भाग है उसका हम अचार बनाएंगे। इसे काटने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी दोस्तों, ये बहुत चिपचिपा होता है। इसका जो अंदर वाला भाग है ना, वो बिल्कुल भिंडी जैसा होता है, चिपचिपा। बहुत सावधानी से इसे काटना पड़ता है, नहीं तो ये फिसल जाता है। एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसे थोड़ा उबालना पड़ेगा। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम ओटेंगा को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए सारे ओटेंगा को मैंने काट लिया है। अब इसे गर्म पानी में डाल देंगे, लगभग 2 से 3 मिनट उबालेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब एक छन्नी में इसे हम निकाल लेंगे। ये जो उबला हुआ पानी है ना, इसे हम बिल्कुल फेंकेंगे नहीं, इसे हम दाल में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही खट्टा रहता है, टमाटर की कमी ना ये पूरा कर देगा। ये ओटेंगा का पानी जो है बहुत खट्टा रहता है। एक प्लेट में निकाल लेंगे, फिर इसके ऊपर हम हल्दी डालेंगे और इसे मल लेंगे। फिर एक सूप में डालकर धूप में हम 4 से 5 घंटे के लिए सुखाएंगे। ये जो सूप है ना, इसे मैं आसाम से लेकर आई हूँ, और ये ना बेम्बो से बना हुआ है, और ये बिल्कुल हैंडमेड है, हाथों से बनाया हुआ है। ये सब देख के ना मुझे आसाम की बहुत याद आती है। अब ये कटा हुआ ओटेंगा भी सूख चुका है, इसे भी एक प्लेट में डाल देंगे। अब इस अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाले में ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सरसों और 1/2 चम्मच काली मिर्च, इसे थोड़ा भून लेते हैं और इसे मिक्सर में पीस लेंगे। अब एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, लगभग 200 ml। 1/2 चम्मच कलौंजी डाल देंगे, और वो जो भुना हुआ जीरा सरसों काली मिर्च था ना, उसको भी मैंने पाउडर बना लिया था, उसको भी हम डाल देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। ये बहुत खट्टा है इसलिए नमक ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। चला लेंगे इसको अच्छे से, सारे मसालों को हमें साथ मिलाना है। अब ये ओटेंगा के टुकड़ों को डाल देंगे मसाले में। अब अच्छे तरीके से सारे तेल मसाले को मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब एक कांच के बोतल में इस अचार को भरेंगे। यहाँ पर मैंने जैम का बोतल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कांच के बोतल में अचार बहुत ही अच्छा रहता है। मैं बार बार बोतल बोल रही हूँ, ये छोटा सा जार है। ये देखिए मैंने अचार को जार में भर लिया है, ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तैयार है ओटेंगा का टेस्टी चटपटा अचार। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आप लोग भी आसाम का एक रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये आज का रेसिपी? इस रेसिपी में ना ज़्यादातर हम लोग आसाम का वो भूत जलोकिया बोलते हैं ना, जो कि बहुत ही स्पाइसी तीखी रहती है, वो यूज़ करते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने वो यूज़ नहीं किया, लेकिन वो यूज़ करते हैं तो टेस्ट बहुत दुगना बढ़ जाता है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो ज़रूर यूज कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये आज का रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय गोवा, जय आयो खाम।